छोटे तालाब के पट्टे के संबंध में सोमवार को मछुआरों ने राजधानी भोपाल में संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर कवेंद्र कियावत को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मछली पकड़ने को लेकर चार युवकों को बंद किया है। परिजन शिकायत करने पहुंचे और कहा कि युवकों को जबरन बंद कर रखा है। वहीं छोटे तालाब पर मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करने वालों का आरोप है कि बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया गया ठेका निरस्त हो, यह हम लोगों की आजीविका का साधन है। हम आयुक्त महोदय को यह अपना ज्ञापन देने आए हैं। छोटे तालाब के पट्टा के संबंध में पता चला है कि हमारी अनुशंसा हो चुकी है। मछली पालन विभाग के अधिकारी ने हमारी संस्था का पट्टा देने की अनुशंसा कर चुके हैं, परंतु आदर्श मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था के अध्यक्ष और उनके द्वारा षड्यंत्र रच के यह सारे कार्य किए जा रहे हैं कि उनको दोबारा पट्टा दिया जाए, जबकि पूर्व में इन्होंने जहर डालकर मछलियों का हत्या करी है, जिसके खिलाफ नगर निगम ने, प्रशासक महोदय ने संकल्प पारित किया था और संकल्प पारित करके उनको पट्टा नहीं देने के लिए। तो हमारा निवेदन है कि प्रशासक महोदय, जो अधिकारी ने हमारे समिति का पट्टा दिया है देने के लिए अनुशंसा करी है, उनको दोबारा हमें ही ये पट्टा दिया जाए, नहीं तो यह जन आंदोलन होगा।